हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचिट से बालियाँ, जो बहुत सुंदर है और इजी भी है, बनाने में बहुत ही आसान है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आज मैं इस तरह की बाली बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, जिसके लिए मैंने हुप लिया है 4.4 mm का, टू प्लाई का हमने धागा लिया है, अब इंडिया का मोती मैंने इस तरह के लिए है छोटी छोटी, मैंने इसे निडिल से इसके अंदर पिरो लिया है। क्रोशिया हुक हमारा 1.3 mm का है, इसे अपने किसी भी कलर में बना सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा है, स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें इस रिंग में हम अपने धागे को अटैच करना है, एक चेन बना लेनी है। इस पूरे रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से टोटल हमें 52 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। इस तरह से 52 बोले तो 52 सिंगल क्रोशिया मैं ये रो बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा 52 सिंगल क्रोशिया बनके कंप्लीट हुआ है फर्स्ट रो हमारा। ये सेकंड रो बनाने जा रहे हैं हम। सेकंड रो में हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे हमें टर्न कर लेना है, घुमा लेना है। अब हमें क्रोशिया के ऊपर धागा लेना है, एक चेन को छोड़ देना है, दूसरे चेन के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन को स्किप कर देना है, इसके नेक्स्ट चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन को छोड़ देना है, नेक्स्ट चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। आप चाहे तो इसके अंदर डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। एक चेन छोड़ देना है, नेक्स्ट चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस सेकेंड रो को हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक चेन एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से जाल जाल हमारा इसके अंदर बनता जाएगा। देखिए हमारा रो जो है ये वाला कंप्लीट हो रहा है। ये लास्ट टाइम इसके अंदर हमें क्रोशिया हुक डालने के बाद हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक चेन बनाने के बाद इसे टर्न कर लेना। अब हमारा ये थर्ड रो यहाँ पे स्टार्ट होगा। थर्ड रो में हमें सबसे पहले ये जो मैंने एक चेन का गैप दिया था, चेन बनाया था, उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक मोती यहाँ पर अटैच करनी है। इस तरह से देखिए, और ये जो डबल हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें एक चेन जो बनाया था उसके अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक मोती अटैच करनी है यहाँ पे। देखिए इस तरह से मोती को अंदर से धागे को इस तरह से निकाल लेना है, और एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस चेन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक मोती वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अटैच करना है। मोती को यहाँ पर लाना है, इसे क्रोशिया के अंदर से धागे को इस तरह से हमें निकाल लेना है, और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से आपका मोती जो है इसके अंदर अटैच होता जाएगा। फिर से देखिए एक चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मोती को हमें अटैच करना है इस तरह से, और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना। रिपीट करते हुए इस पैटर्न को इसी तरह से हमें ये पूरे रो में बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें मोती अटैच कर देना लास्ट है। एक चेन बनाने के बाद धागे को हमें यहाँ पे काट लेना है। ये हमारी बाली
बन के कम्प्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।